नैनपुर में इन दिनों चोरों के हौसले पूरी तरह से बुलंद हैं। गत रात्रि को वार्ड क्रमांक 15 में कृष्ण मंदिर के पीछे एक ही रात में 4 घरों के ताले तोड़े गए, जिसमें लाखों के जेवरात गहने चोरी किए गए। जानकारी के अनुसार उन घरों के ताले तोड़े गए जिनमें रात्रि में घरवाले बाहर रिश्तेदारों के यहाँ कार्यक्रम में गए हुए थे, जिसमें एक घर में लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए की चोरी की गई है, जबकि दूसरे घर में चोरी हुई है, लेकिन अभी तक घरवालों के बाहर होने के कारण चोरी गए सामानों की पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं 2 अन्य घरों में मकान में परिवारजनों के होने के बाद भी उनके कमरों के दरवाजे लगाकर उनके यहाँ चोरी की गई। पुलिस को जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवारजनों से जरूरी जानकारी ली है और चोरों की तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही चोरों का पता लगा लिया जाएगा। नैनपुर से अनिल जांगड़े की रिपोर्ट। चोरी हुई आपकी? चोरी हुई रात को लगभग 2:30 के लगभग। हमने देखा कि हमने कुंडी टूटी हुई थी गेट की, और अंदर घुस के देखा तो पूरी अलमारी बगरी पड़ी थी दोनों रूम की, और फिर देखे तो वहाँ जेवर एवर रखे हुए थे, सब चोरी हो गए। 1 से 1.5 लाख। नंबर 10 और वार्ड नंबर 15 में कुछ अज्ञात आरोपी के द्वारा घर के ताले तोड़ के चोरी किए हैं, उस संबंध में भी शिकायत आई है, उसमें अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है और फिर विवेचना करेंगे उसको, जल्दी चोरी की प्रेस करने का कार्य करेंगे। सर, कितने घरों में ताले टूटे हैं, चोरी हुई है? अभी 2-3 घरों की जानकारी आई है, अभी तो पहला फरियादी आया है और आएंगे तो जानकारी लेंगे। अभी 2-3 घरों की जानकारी मिली है कि ताले टूटे हैं। अभी आए हैं 1.5-2 लाख के सोना चांदी के जेवरात की घटना का आया है अभी।